नमस्कार, आदर्श विद्या मंदिर कोलिया की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत के व्याकरण के एक भाग के बारे में जान रहे हैं, नाम है अव्ययी। और अव्ययी का अर्थ है जो खर्च नहीं होता है या जो बदला नहीं जा सकता। व्यय यानी खर्च और ए लगाने का मतलब है नए तत्पुरुष समास नकारात्मक उत्तर होना, नए व्यय जो खर्च नहीं होता है। अव्ययी का अर्थ अभी आगे ध्यान पड़ेगा, वैसे एक बार बता रहा हूँ मैं। लिंग, वचन, विभक्ति, काल और पुरुष, इन पांचों भागों में जो एक समान रहता है, न तो जिसका पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग हो सकता है, न जिसका भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल हो सकता है, न जिसका एक वचन द्विवचन और बहुवचन हो सकता है, न जिसका प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष हो सकता है, और न जिसकी विभक्तियाँ होती है। इसका मतलब एक ऐसा शब्द जो भूत भविष्य वर्तमान पाँचों लकारों में, तीन काल पांच लकार दस लकार जितने भी लकार है उनमें, आठों विभक्तियों में, तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में एक समान रहता है, परिवर्तित नहीं होता है, वही अव्ययी कहलाता है। ध्यान दीजिए, स्वरादि निपात मव्ययम, यहां पर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है, पुस्तक में ऐसा ही था। स्वरादि निपात मऊ व्यय और मैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन मव्यम इतना ही लिख करके छोड़ दिया। स्वर आदि निपात शब्द अव्यय कहलाते हैं, यहां पर सही लिखा हुआ है। अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों सभी विभक्तियों तीनों वचनों में सभी पुरुषों में, लिखा हुआ नहीं इसमें लेकिन बोल रहा हूँ, सभी पुरुषों में समान रहते हैं वही अव्ययी कहलाते हैं। परिभाषा, किसी भी भाषा के वे शब्द अव्ययी कहलाते हैं जिनके लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, क्योंकि अव्यय का रूपांतर नहीं हो सकता, यह इसकी परिभाषा, अव्यय का रूपांतर नहीं होता है। और ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द भी कहते हैं, समझ में आ जाना चाहिए। अविकारी शब्द अव्यय और विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम कारक पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब में आ जाता है, विकारी और अविकारी, व्यय और अव्यय। अव्यय के भेद, जैसा कि हम जान चुके हैं कि अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द कहते हैं, इसलिए संस्कृत की भाषा में अव्यय मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। इस वीडियो में हम कितना पढ़ सकते हैं, कितना बना हुआ है, उसी के आधार पर हम बात करेंगे। आपके कोर्स में कितना है उसी पर बात करेंगे। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति और परिमाण बताए और जिनके योग से प्रश्न किए जाते हैं उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे यदा, यदा यानी जब, तदा यानी तब, कदा यानी कब, सर्वदा यानी हमेशा। यदा राम गच्छति तदा कृष्ण न गच्छति, कृष्ण कदा गच्छति, यदा राम न गच्छति तदा कृष्ण गच्छति, इस प्रकार लाइन हम बना सकते हैं आराम से। त्वम कदा उतिष्ठति, उतिष्ठसि,
त्वम कदा पठसी, भवान कदा पठती, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे यदा सूर्योदय भवति तदा कमलानि विकसन्ति, कमलानि कदा विकसन्ति, इस प्रकार के इन सारों के अंदर हम प्रश्न बना सकते हैं, उत्तर भी हो सकते हैं। अधुना, अधुना यानी आजकल, अधुना अहम परिश्रमं करोमि, अभी मैं परिश्रम कर रहा हूँ। इदानीम अहम पठामि, इस प्रकार के बन सकते हैं प्रश्न, उत्तर भी ये है प्रश्न, त्वम कदा पठसी, भवान कदा पठती, इदानीम अहम पठामि, इदानीम आवाम पठावे, कुछ भी लिख सकते हैं। संप्रति, संप्रति यानी आज, अब, साम्प्रतम यानी आजकल या इन दिनों में, अद्य यानी आज, हय यानी कल, श्व, श्व यानी आने वाला कल, लेकिन लिखने में यहाँ पर भी मिस्टेक है, श्व इस प्रकार होता है, कहीं कहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक है जिनका वापस बता रहा हूँ मैं। दूसरा है स्थानवाचक अव्यय, स्थानवाचक में यहाँ, वहाँ, यत्र, तत्र, यत्र यानि यहाँ, एकदम गलत लिखा हुआ है, यत्र यानि यहाँ होता ही नहीं है पहली बात तो, अत्र यानि यहाँ होता है, तत्र यानि वहाँ, कुत्र, क्व यानि कहाँ, अत्र यानि यहाँ, अब यत्र ये लिखा हुआ वैसे तो गलत ही है। सर्वत्र यानि सब जगह, ईश्वर है कुत्र अस्ति, ईश्वर है सर्वत्र अस्ति, अंत है घटस्य अंत है, जलम नास्ति, त्वं कुत्र गच्छसि, भवान अत्र आगच्छतु, स तत्र गच्छति, कुछ भी लिख सकते हैं। बही यानि बाहर, अंतरा यानि मध्य, उच्च यानि जोर से, नीचे या अधः यानि नीचे, समया निकसा पार्श्वे, इनका अर्थ है नज़दीक, अन्यत्र यानि अन्य जगह या दूसरी जगह। तीसरा है रीतिवाचक अव्यय, शने शने धीरे धीरे, पुनः भूय मुहु यानि फिर से, यथा यानि जैसे, तथा यानि वैसे, जैसे शस शीघ्रम गच्छति कच्छप मंदम, या स्नेह स्नेह गच्छति, पुनः पठतु, यथा रमेश गायति तथा राजेश न गायति, अकस्मात् घटना घटिता, सहसा विदधीत न क्रियाम, कुछ भी ऐसे शब्द हो सकते हैं अव्यय जिनके आधार पर हम कोई न कोई वाक्य बना सकते हैं। सम्यक, वृद्धस्य स्वास्थ्यम सम्यक नास्ति, नर्तक्याः नृत्यम सम्यक अस्ति, नर्तकी सम्यक नृत्यति, कुछ भी लिख सकते हैं। असकृत यानी बार बार, पुनः पुनः यानी भी बार बार ही होता है। कथंसित, कथंसन यानी किस प्रकार, अजस्रम यानी लगातार, इत्यम यानी इस प्रकार, इत्थम यानी इस प्रकार होता है, इत्यम नहीं होता है। ई, ते, थे और मैं, इत्थम यानी इस प्रकार, एवं यानी इस प्रकार, कहीं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है सपने में। ध्यान दीजिए, अभी तक मैंने जितने भी शब्द देखे हैं, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, जैसे यदा, यदा सूर्योदय भवति, यदा सूर्योदय भविष्यति, यदा सूर्योदय अभवत्, यदा शब्द के अंदर कोई मतलब नहीं है, कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग वर्तमान काल भूतकाल कुछ भी नहीं है।
जैसे अधुना, अधुना शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग नहीं है, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल नहीं है, एकवचन द्विवचन बहुवचन नहीं है, और पांचों लकारों में नहीं है, और तीनों पुरुषों में प्रथम मध्यम उत्तम में नहीं है। जैसे कोई भी चीज़ है स सा और तत, ये तीनों अलग अलग बदल जाते हैं। जैसे राम है रामो रामाहा, पठती पठत पठंती या पठती पठसी और पठामी, कैसे भी बदल जाते हैं, लेकिन ये शब्द इनमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बदला जाए, इसलिए इन सभी शब्दों को अव्ययी कहा जाता है। और इस वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ कि अव्ययी किसको कहते हैं, जो भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, एकवचन द्विवचन बहुवचन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष, और आठों विभक्तियों में एक समान रहता है, वही अविकारी या अव्ययी शब्द है। बाकी तो विकारी और व्यय शब्द होते हैं, जिनको संज्ञा सर्वनाम विशेषण कारक कुछ भी कह सकते हैं। धन्यवाद।